मैं हूं संदीप सिंह। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ हिमाचल विधानसभा के उपचुनाव हैं और ऐसे में सत्ता पर बैठी कांग्रेस सरकार के लिए भविष्य में स्थिरता ये उपचुनाव लाएंगे। बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हिमाचल प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों के बाद परिस्थितियां बदली और सियासी जो समीकरण पूरी तरीके से बदले, उस बीच जो है अब आपकी पूरी कांग्रेस टीम के लिए लोकसभा और ये उपचुनावों की चुनौती है, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में जहां तक सरकार का सवाल है तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि करती आई है, उन्होंने एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का प्रयास किया जी। और खैर सरकार बच गई, लेकिन अब जो स्थितियां हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर हिमाचल प्रदेश में बन गया है तो यही है कि जो सरकार गिराने का प्रयास हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को जो है टिकट दिए गए भारतीय जनता पार्टी में, अब उससे सारा पर्दाफाश हो गया है कि इस सारे साजिश के, इस सारे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। हालांकि पहले तो वो ये कहते थे कि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लोग सरकार से नाराज हैं, एमएलए नाराज है, इसलिए वो गए हैं। लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार गिराने के पीछे जो है जिन्होंने भूमिका निभाई वो भारतीय जनता पार्टी थी और उसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी भुगतना पड़ रहा है और उपचुनाव में भी भुगतना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इन्होंने एक राज्यसभा सीट हथियाई, एक राज्यसभा सीट के चक्कर में इन्होंने लगभग 9 एमएलए अनसीट करवा दिए, 6 तो हो गए हैं जिनका चुनाव हो रहा है और 3 के ऊपर तलवार टंगी हुई है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, जाहिर तौर पे उन्हें भी विधानसभा से बाहर जाना है। अब ये देख लें कि ये सौदा कितना सही था कि एक राज्यसभा सीट हासिल करने के बदले में 9 एमएलए की अगर सदस्यता चली जाए और फिर जो है लोकसभा की, जो जिस ढंग से लोकसभा ये समझते थे कि हम 4-4-4-0 करेंगे, अब वो हालात तो रहे नहीं। इस चक्रव्यूह में भाजपा पूरी तरह फंस गई है और लोकसभा भी हम जीत रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स 2 तो हमने बहुत पहले घोषित कर दिए और मंडी की सीट जो है कांग्रेस पार्टी का पलड़ा जो है भाजपा से भारी चल रहा है और शिमला की सीट भी हमारे कैंडिडेट्स जो है बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिला है, तो वो सीटें हम जाहिर तौर पे जीतेंगे। और सेकेंडली ये जो 2 सीटें जो अभी हमने अनाउंस की हैं, इसमें भी हमने जिस ढंग से हमने कैंडिडेट्स दिए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। जो लोग अब 4-0 करते थे, अब वो जो है उनके माथे पे चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं, सुबह शाम गिनती करते हैं कि ये आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। जो जयराम ठाकुर जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने गारंटी दे रखी थी कि अपने लीडरशिप को, केंद्रीय लीडरशिप को, कि हम 4-0 करेंगे। आजकल सुबह शाम जो है गिनती कर रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने रचे हुए चक्रव्यूह में फंस गई है। ऐसा चक्रव्यूह उन्होंने रचा और ये जगत प्रकाश नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका गृह प्रदेश है, मोदी जी भी यहाँ पे जो है संगठन का के इंचार्ज रहे हैं, तो
अब सारी लीडरशिप को समझ आ रहा है कि ये हमने गलत जगह हाथ डाल लिया। जिस तरीके से चार लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो सिर्फ मंडी सीट में जो है वो उपचुनावों में कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई है, लेकिन बाकी की सीटों की अगर बात करें तो पिछले कुछ टर्म से जो है जीत के लिए कांग्रेस जो है जमीन तलाश रही है। किस तरीके से समझते हैं कि दो सीटों पर आप कांग्रेस के एमएलए, एक आपके कैबिनेट में मंत्री हैं, हाल ही में जो है नेशनल लीडर आनंद शर्मा जी को जो है कांगड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, और 2019 के चुनावों के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो मार्जिन जो है वो लाखों में है, तो इस बार ये कैसे संभव होगा कि चारों सीटों पर जीत दर्ज कांग्रेस करेगी? पूरी तरह जो है कांग्रेस का ग्रिप जो इस इलेक्शन में बना हुआ है, और लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट्स जो हैं, खास तौर पे कैंडिडेट हमारे, अगर हमने मंडी में विक्रमादित्य सिंह को कैंडिडेट बनाया है, वहाँ कंगना रनौत आई थी फिल्म जगत से, और उन्होंने आते ही कहा कि ये मेरे सामने रानी प्रतिभा सिंह क्या खड़ी कर दी, हमने कहा भाई बदल देते हैं जी। आपकी आपकी मांग है तो ठीक है, आपको यंग कैंडिडेट आपकी मांग आप कर रहे हैं, तो हमने विक्रमादित्य सिंह को दे दिया। अब विक्रमादित्य सिंह दो दफा के एमएलए हैं और प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, और मंडी का इलेक्शन हमने पिछली दफा जब हमारी सरकार नहीं थी हमने तब भी जीता था, प्रतिभा सिंह जब खड़े हुए थे, और इस दफा भी हम जीतेंगे, और वो इलेक्शन की धुरी जो है अंततः वीरभद्र सिंह जी ही बनेंगे। वीरभद्र सिंह जी हमारे पार्टी के एक बहुत ही पावरफुल चेहरा रहे हैं, और उनका परिवार वहाँ चुनाव लड़ रहा है। छह दफा जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, जो तीन चार बार एमपी रहा, जो 14 दफा एमएलए है, 14 चुनाव जिसने जीते, और जो पार्टी के प्रधान भी रहे, जो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, हर 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 ओहदे पे रहे, और उनकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी हैं। वो तो जब कैंडिडेट आ गए उसके बाद अब बीजेपी को धरातल की सच्चाई का पता लग रहा है, और अंततः जो है ये चुनाव की धुरी वीरभद्र सिंह ही बनेंगे। ये जो जिस तरह का चुनाव प्रचार इस समय हो रहा है, कभी किसी को शहजादा कह देना, कभी किसी को जो है के परिवार पे आक्षेप करना, ये चुनाव के मुद्दे नहीं है। अंत ये एक थोड़ी देर के लिए खुशी के पल हो सकते हैं किसी को कि जी मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, मैंने ये कह दिया, फलां कर दिया, और जहाँ तक जयराम जी का सवाल है, ठीक है उनको वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना था और उन्होंने कंगना जी को आगे किया, लेकिन कंगना जी का जो कनेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इलेक्शन में कनेक्ट है, वो कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, वो जो है अटैक कर रही हैं और उन मुद्दों पे जिनका कि प्रदेश की राजनीति का कोई सरोकार नहीं है। चुनाव तो होगा विकास पे, कल्याण पे, गरीब की सेवा के एजेंडे पे, कि विकास का एजेंडा क्या है आपका। हम तो अपना अपना स्पेल आउट करेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश में क्या करेंगे, हमारी तो अभी 45 महीने की सरकार है यहाँ पे, और सरकार में आपको बता दूँ सरकार हमारी स्थिर है। चुनाव चाहे अभी छह बाई इलेक्शन हो, चाहे चुनाव आगे को आए, आगे भी आते रहेंगे, जाहिर तौर पे 3 अभी बाई इलेक्शन जो इंडिपेंडेंट्स ने रिजाइन दिया है उनके इलेक्शन आ जाएंगे, फिर हमारे दो ये जीत जाएंगे विक्रमादित्य सिंह और सुल्तानपुरी जी, उन सीटों के इलेक्शन आए, तो इलेक्शन तो इस वार तक चलते रहेंगे। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि दो में जीत दर्ज हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जैसे कि मंडी सीट की अगर बात करें तो दोनों ही युवा नेता आमने सामने हैं, एग्रेसिव नेचर जो है वो क्या कांग्रेस को फायदा करेगा या नुकसान करेगा? देखो ऐसा है कि जितने भी
ये सीने जगत से लोग आए हैं, इनका कोई राजनीति में या सेवा के हिसाब से कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अभी हमारे पड़ोस चंडीगढ़ में 10 साल तक वो महिला रही हैं और इस दफा भाजपा ने उनका टिकट बदला है। अब चंडीगढ़ के लोग बोलते हैं यार 10 साल बर्बाद हो गए हैं। ऐसे कई सीटों पे आए और कुछ राजनीति में आए और छोड़ के चले गए, कुछ आए तो एक टर्म लगा के चले गए। लेकिन अगर सबका देखा जाए तो भाई किसी ने कोई कोई जो है रेल लाइन बनवाई है, किसी ने कोई सड़क बनाई है, किसी ने कोई खेल का मैदान बनाया है, किसी ने कोई स्कूल बनाया है, कोई अस्पताल, ऐसा कोई वो नहीं है। ये तो ठीक है कि ग्लैमर पे आप आ गए और उसके बाद आए भी वो और गए भी वो। एक बहुत फेमस जुमला है ये, तो ये वैसा ही है। अगर मंडी के लोगों को अपने 5 साल का समय जो है सार्थक तौर पे लगाना है तो उनको विक्रमादित्य सिंह को चुनना है। अगर उनको ये है कि भाई उसके बाद एमपी को ढूंढते फिरेंगे तो अलग बात है। अगर उनको काम करवाना है, और ये वीरभद्र सिंह परिवार अप्रोचेबल परिवार है, विक्रमादित्य सिंह की मूवमेंट बहुत है और काम करने की अभी जील भी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम ये इलेक्शन अच्छी तरह से जीतेंगे। और मेरी सलाह भी रहेगी कि भाई ये जो एक दूसरे ये जो अटैक करने का है किसी कैंडिडेट पे, कंगना जी का हम सम्मान करते हैं कि उनको फील्ड में उतारा है, लेकिन अगर विक्रमादित्य पे जाती हमला करेंगे तो बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। चुनाव आयोग को शिकायत भी की? नहीं, चुनाव आयोग तो खैर जो जाना है वो अलग बातें हैं, लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। और जो है ये दोनों उनको समझ होना चाहिए कि ये जो है बड़ी खुली किताब है, सबको मालूम है कौन क्या है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करना बहुत जरूरी है। पिछले 4 इलेक्शन से जो है वो अनुराग ठाकुर लगातार जीतते आ रहे हैं। इसी संसदीय क्षेत्र से आप भी संबंध रखते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संबंध रखते हैं, तो सियासी समीकरण की जो स्थिति बनी है, जीत कैसे दर्ज होगी, कैसे रुकेगा अनुराग ठाकुर का विजय दर्ज? नहीं देखो, जो हिमाचल प्रदेश में जो सियासी भूकंप आया, जो अर्थक्वेक अभी आया था, उसका जो एपी सेंटर था वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट थी। अटैक सारा जो है हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट पे हुआ। हमीरपुर जिला से जो है तीन एमएलए ने बगावत की और यहाँ के ऊना के 2 MLA की बगावत की, और कुल मिला के जो 9 लोग थे उनमें से 6 हमीरपुर सीट के थे। ये तो ओपन सीक्रेट है, इसमें हमें छुपाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, 9 में से 6 लोग इसी सीट पे थे जिसकी बात आप करते हैं, और अनुराग ठाकुर यहां से 4 बार जीत चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमने यहां पे सतपाल रजादा जी को कैंडिडेट दिया है और अच्छे दबंग नेता हैं और अपनी बात को रखने की ताकत रखते हैं, और यहां भी हम इश्यूज के हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे। हम व्यक्तिगत लांछन आरोप प्रत्यारोप उसमें जाने की बात हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन मुख्यमंत्री जी के निश्चित तौर पर, ये मुख्यमंत्री जी का पार्लियामेंट्री सीट है और मुख्यमंत्री जी का जिम्मा है कि ये सीट जो है जीते, और अगर ये सीट नहीं जीते हैं तो मुझे लगता है कि हम फिर कुल मिला के इलेक्शन को जो है उसकी खुशी जो है तभी हमारी परिपूर्ण हो सकेगी जब हम ये सीट जीतेंगे। तो हम प्लान कर रहे हैं और बहुत अच्छा और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होगा। अभी जैसे मैं देख रहा था, अनुराग जी ने कहा कि मैंने 70,000 करोड़ रुपए के काम करवाए, अब पता नहीं वो तो कौन से हुए हैं। अब हमारे यहाँ तो
कोई हमने देखा नहीं ऐसा कि कोई ऐसा ऐसा काम किया हो, लेकिन चलो वो चुनाव आया है, वो अपनी उपलब्धि जनता के दरबार में रखेंगे। लेकिन हम बहुत ताकत से इस चुनाव को लड़ेंगे। हाँ ठीक है, इस चुनाव में पहले मेरी बेटी को टिकट का प्रस्ताव हुआ था, लेकिन हमारे घर में तो आपको मालूम है मातम मचा हुआ है। हमारी वाइफ बहुत ही यंग एज में, जो कि एक बहुत ही डायनेमिक लेडी थी, और हमारी तो आज तक की जो राजनीतिक एम्पायर है उन्हीं की बदौलत कायम हुई। 5 दफा तो मैंने चुनाव लड़ा, 5ों बार जीता। उसके पीछे वो एक बहुत बड़ी स्पिरिट थी, और मैं 5 बार जीता तो 5 दफा वो पैदल जो है चिंतपूर्णी ज्वालामुखी मंदिरों तक जाती रही। तो वो एक हमारी ट्रेजेडी हो गई। तो इसलिए स्थितियां नहीं थी कि हम आस्था को चुनाव लड़ाते। और बाकी जहां तक हमारा सवाल है, हमें ना तो किसी ने ऐसा प्रस्ताव किया कि आप चुनाव लड़ो, ना किसी ने कहा हाँ ठीक है शिमला में कुछ दोस्त पत्रकार हैं जो कि रोजाना ही अपने बुलेटिन में टिकट आवंटित कर देते हैं, तो उसमें मैं देख रहा था कि वो घोषणाएं कर रहे थे। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री अभी ऐसी स्थिति पे है कि उसको कोई चुनाव ना तो कोई विवश कर सकता है, ना बाध्य कर सकता है, ना उस पर थोप सकता है। आदमी जब जीवन में आगे बढ़ता है और हर फील्ड में वो कुछ ना कुछ अर्जित करता है। हम जब पत्रकारिता में रहे तब हमने बिल्कुल टॉप पे जाके जो है अच्छे स्थान पे जाके हमने वो पत्रकारिता छोड़ी। अब हम राजनीति में हैं, अब हम अपने स्थान से संतुष्ट हैं, और इसलिए किसी के कहने की बात नहीं है कि और हम अपने मैंने राजनीति अपने शर्तों पे की है। हम लगातार जो है वो चुनावों को कवर करते हुए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच एक नारा जो है वो दबी जुबान में चल रहा है, एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। और इसी पूरे चुनाव में अगर कहें तो स्टार प्रचारक के तौर पर आप पर जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री पर जिम्मेवारी, तो इस ये नारा क्यों? देखिए ऐसा है कि ये नारा बड़ा इंटेलिजेंटली कोई लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इस नारे को सिरे से खारिज करते हैं। ना ये नारा कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई हाथ है, ना हम इसको मानते हैं। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट भी उसी गंभीरता से लड़ेगी है, और डबल इंजन बनाएगी, और जो है पार्लियामेंट का वोट भी लेगी और विधानसभा का भी वोट लेगी। तो ये जिन लोगों को ये नारा सूट करता है वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन ये इस नारे के पीछे कांग्रेस की कोई भी सोच नहीं है, ना हम इस सोच को ज्यादा फलीभूत होने देंगे। सर बाई इलेक्शन की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि 6 सीटों पर उपचुनाव का रन है और ऐसे में 3 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन 3 में अभी भी देरी और अब कुछ ही दिन बचे हैं मतदान। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने टिकटों की घोषणा कर देनी चाहिए, इससे ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। और 3 टिकटें घोषित हो चुकी हैं और वहां पे अच्छा कांग्रेस पार्टी को रिस्पांस मिल रहा है। इतना मैं आपको जरूर कह देता हूं, ऊना की 2 सीटें कांग्रेस जीतेगी, चाहे वो कुटलैड की सीट है चाहे गगरेट की सीट है, ये 2 सीटें हम जीतेंगे। पार्लियामेंट की लड़ाई भी दब के लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, कोई एक वोट की किसी को कृपा नहीं होगी, और हम पूरी जो है शिद्दत से इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। इन चुनावों में लगातार जो है वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो मन से एक आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को जो है वो कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके पुराने साथियों को कैंडिडेट बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि आप ही के पुराने साथी जो हैं अब बीजेपी के कैंडिडेट्स बन चुके हैं और कुछ बीजेपी के कैंडिडेट्स को इस बार कांग्रेस ने भी उतारा है, नहीं तो ये किस तरीके की राजनीति की ओर इशारा करता है? देखो ऐसा है कि वैसे तो बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स है, बीजेपी ने क्या टिकट दिए, क्यों दिए हैं, लेकिन आप बताओ देश की सबसे बड़ी पार्टी
और 9 के 9 टिकट जो है वो बागियों को देने की क्या मजबूरी हो सकती है? ऐसी क्या मजबूरी थी भाजपा की कि उनको जो है डॉटेड लाइंस पे टिकट देने पड़ रहे हैं? ये तो कोई ना कोई एग्रीमेंट ही होगा कि आप जो है सरकार गिराएंगे, हम आपको टिकटें देंगे, या और कोई दुनियादारी में जो बातें होती हैं उनमें से कोई मुद्दा रहा होगा। लेकिन आप बताएं कि ऐसे नौ के नौ टिकट जो है पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं मिले, तो भाजपा में इंटरनल बहुत घुटन है। मैं आपको बता दूं, भाजपा में बहुत बड़ा चिंगारी फूटी हुई है। और हमने तो चलो हमारे साथ तो उन लोगों ने फ्रेम किया या धोखा किया, हमने तो उनको हराने में लगना ही है और हमारा धर्म भी है कि हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताएंगे। लेकिन हमारे से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो इस जल्दी में है कि इनको जल्दी से सबक सिखाया जाए। इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, भाजपा का काडर बर्दाश्त नहीं कर रहा है, भाजपा के बड़े नेता बर्दाश्त नहीं। हमारे सबसे बात होती है, हम उनको कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ये काम हम खुद ही कर देंगे। और कोई ना कोई पार्टी को मान रहा है, ना कोई हाईकमान को मान रहा है, सब ने ये कर दिया कि भाई जो आए थे वैसे ही बेरंग लौटा दिए जाएंगे, हमें किसी मेहमान की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपने नेता हैं। तो आप देखिए बीजेपी में इस जो पूरा एपिसोड हुआ है इसमें बीजेपी बहुत बड़ी लूजर हो गई है। कि एक तो एक राज्यसभा के बदले में 9 MLA गंवा रहे हैं, फिर 9 MLAओं का चुनाव लड़ाने का मौका मिला तो काडर का एक भी बंदा नहीं लड़ेगा, एक नहीं लड़ेगा तो जो लड़ेंगे उनको पार्टी के लोग ही निपटा देंगे। तो और उसके बाद जो है इसी सारे जो है उधेड़ बुन में आपने पार्लियामेंट खराब कर ली। पार्लियामेंट में भी लोग अब हमारे साथ हो गए हैं बिल्कुल, जैसे जैसे आगे चुनाव बढ़ता जा रहा है हम पार्लियामेंट में बहुत अच्छी पोजीशन में हो जाएंगे। जहां तक आप आनंद शर्मा जी की बात कर रहे थे कांगड़ा की, देखिए कांगड़ा में आनंद शर्मा देश का एक बहुत बड़ा चेहरा है, राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है और कांग्रेस पार्टी का एक बुलंद आवाज रही है। 10 साल तक वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा राजस्थान से भी वो लिए और फिर वो उपनेता भी रहे हैं राज्यसभा के, तो बहुत बड़ा चेहरा है। अब अगर मोदी जी जाके जो है गुजरात से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ लेते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति किसी और राज्य से चुनाव लड़ सक लेता है, तो ऐसा ही चेहरा आनंद शर्मा है। और आनंद शर्मा को पहले तो जैसे ही उनकी घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने खुशी का इजहार किया, लेकिन अब उनको पता लग गया कि अरे भाई एक तरफ तो भाजपा का चेहरा है जो कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शांता कुमार जी ने उनको टिकट दिला दिया, एक तरफ वो चेहरा है कि जिनका पूरा विश्व जानता है, जिनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में सब जानते हैं, अगर वो कांगड़ा की आवाज़ चेहरा बनते हैं और कांगड़ा की आवाज़ बनते हैं, मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा जो है सांसद कांगड़ा को कभी मिला नहीं होगा। जब तुलना होगी दोनों चेहरों में तो ये सुई जो है धीरे धीरे जो है कांग्रेस की तरफ घूम जाएगी। जयराम ठाकुर जो है वो लगातार तमाम मंच से ये कहते नजर आ रहे हैं कि 4 को जो है वो देश में तो उनकी सरकार बनेगी लेकिन प्रदेश में भी बनने जा रही है। नहीं देखिए, जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 5 साल, उनको संतुष्टि रखनी चाहिए थी कि मैंने 5 साल मुख्यमंत्रीशिप की है और जनादेश का सम्मान करते हुए उनको कांग्रेस की सरकार को सामान्य तरीके से चलने देना चाहिए था। लेकिन लोभ जो होता है, लालच जो होता है, सत्ता की भूख जो होती है वो आदमी से कुछ भी करवा देती है। और जयराम जी ने इस प्रदेश की सरकार में सत्ता में आने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनको लगता होगा कि अगर तो मिड टर्म कहीं मैं बन गया तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, फुल टर्म के बाद पता नहीं क्या स्थितियां बनेंगी, कहीं कोई और ही ना आ जाए मुख्यमंत्री बन के। और भाजपा में तो ऐसा कल्चर भी है, अब कोई भी बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने शॉर्टकट में प्रयास किया कि मैं जो है अभी सरकार गिरा दूं।
तो मैं समझता हूं कि जयराम भी समझेंगे कि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।